हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों कई बार मैसेज आया था, कमेंट आया था दोस्तों कि लोकेशन पे एक वीडियो बनाइए जो मनरेगा से जो NMMS जो एप्स है उसका, जो जिसमें मनरेगा का अटेंडेंस लगाते हैं तो उसका लोकेशन काम नहीं करता है। बहुत घूमने के बाद आपका लोकेशन काम नहीं करता है, तो इसको कैसे इसका सॉल्व किया जाए, इसका इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप ऐसे कीजिए कि इसमें आप जो है इस वीडियो का जो है आप गलत इस्तेमाल न कीजिएगा, और ये हमारा मकसद है कि लोगों तक मतलब जो है थोड़ा उनके काम को आसान करने का हमारा मकसद है दोस्तों। क्योंकि इसका कोई गलत इस्तेमाल सोच कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इसका जवाबदार आप खुद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास नया अपडेट वर्जन अगर है तो 3.1.0 अगर आपके पास इंस्टॉल है, अगर ऐप नरेगा का, तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ इस तरह का आपको पंचायत का वेबसाइट आपको दिख जाएगा। इसको आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है। तो इस तरह का आपको जो है खुल करके आएगा, और यहाँ पे आकर के देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ सारे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं डाउनलोड मोबाइल ऐप, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। ये फिर इसमें आप क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे NMMS लिखा है। सॉरी, मैं आपको सही स्क्रीन लगा के दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर में लिखा है NMMS क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके दिखाते हैं दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद जितने भी इसमें अलाउ मांगेगा, तो आप जैसे लिखा है ऐप, इसको आप जो है अलाउ करते जाना है। फिर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। जब इस तरह का आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है, अपना जो लैंग्वेज है, जिस भाषा में आप जानते हैं आपकी भाषा है, उसी भाषा को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो सब जगह चलता है। तो मैं इंग्लिश में क्लिक करने के बाद इसमें टिक हो जाएगा। ऐसा टिक होने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई भी कर देना है। आपको अप्लाई जब करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपको इसमें डालना है अपना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे जो है वेरीफाई करना है OTP को, तो यहाँ से OTP करना है। OTP करने के बाद आपको जो है क्या करना है, आप थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो लॉगिन हो गया है, आपका जो ऐप जो है लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, थ्री लाइन में क्लिक करिएगा। ये लाइन में क्लिक करने के बाद इसको आप जो है डाउनलोड मास्टर कर सकते हैं। आप डाउनलोड जितने भी आपके पंचायत में डाउनलोड मास्टर होंगे तो आप इसमें डाउनलोड हो जाएंगे इसमें। और इसमें डाउनलोड मास्टर में आप जो है क्लिक करेंगे, फिर आपका जो फर्स्ट में आता है डाउनलोड मास्टर ऑल इशू डाटा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है डाटा स्टैम्प सक्सेसफुली, और इसमें लिखा है 96 रिकॉर्ड डाउनलोडेड फॉर द अटेंडेंस। इसका मतलब ये हो गया कि 96 रिकॉर्ड्स डाउनलोड हो गए हैं अटेंडेंस पे। और इसमें ये होता है कि मस्ट रोल ये नहीं है 96, ये 96 लोग हैं जो काम करने वाले हैं वहाँ मजदूर हैं, तो वो रिकॉर्ड इसमें दिखा रहा है कि 96 लोगों का इसमें नाम डाउनलोड हो चुका है। फिर इसको यहाँ से आप ओके करिएगा। ओके करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से आप बैक हो जाइए। बैक होने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट में कैप्चर अटेंडेंस में करना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर आ रहा है कैप्चर मस्ट रोल अटेंडेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सर LACOR ये इतना आपको जो है यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा GPS के बीच में ऐसा। फिर आपको इस तरह आपके उसमें लिखने के बाद आपको यहाँ से सीधा क्या करना है, सर्च करना है। आपको यहाँ पे आ गया अपना जो है सेकेंड वाला है जिसमें लोकेशन का और ऊपर जो है टैप लगा हुआ है, तो आपका जो है यहाँ पे इंस्टॉल करे बोलेगा कि इंस्टॉल करिए, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे में तो इंस्टॉल है, डाउनलोड है, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ओके कर देता हूँ। ओपन में जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक किया, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो को समझ में नहीं आएगा और अपना जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और मैं ये बात जो है बार बार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को जो है गलत तरीके से न लीजिएगा। आप ये चल रहा है तो वहाँ जाइएगा साइट पे, और जब आपका लोकेशन काम ना करे, लोगों का अटेंडेंस ना लगे, लोकेशन ना मिले, तो आप ऐसा कीजिएगा, वरना ऐसा आप नहीं करिएगा, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको जो है क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैंने ये डाला हूँ जो लोकेशन है, ये मैंने डाल दिया हूँ सब में, वहाँ से जो कॉपी करके लिख के लेके आया था। तो आपको क्या करना है कि इसको आप जो है सर्च बार में आपको ऐसे लिखना है और ऐसा करके आपको सर्च करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये जहाँ का भी होगा, तो ऐसा आपको जहाँ का लोकेशन होगा वहाँ का ये ऐसा करके आ जाएगा। फिर करना है आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको ऐसा आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार लोकेशन पे। लोकेशन में क्लिक करने के बाद आपको जो है अब ये मांग रहा है सेलेक्ट लोकेशन ऐप, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें जितने भी परमिशन मांगे, फिर आपको लोकेशन परमिशन इसमें मांग रहा है, इसका भी अलाउ करना है आपको लोकेशन का। इसमें जितने भी परमिशन मांग रहा है ये अलाउ हो गया। अब इसमें लिख रहा है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शनल, तो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि मैं तो अब बहुत दूर हूँ, ऐसा कुछ देखने के लिए एम्बर्क साइड जो है यहाँ पे ओके कीजिएगा। फिर आपको जो यहाँ से जो है आपको डाउनलोड करना है ये जो मैं आपको बताया हूँ। इसमें जो लोकेशन में बताया हूँ यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करके ये ऐसा ये आपको दिख जाएगा लोकेशन का। इसमें थोड़ा सर्वर में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आपको क्या है ऐसे दिख जाएगा आपको, ऐसा इसमें क्लिक करना है लोकेशन में। क्लिक करने के बाद चलिए वो इसमें आने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा दोस्तों। थोड़ा सा सर्वर थोड़ा दिक्कत था तो आपको जो है प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसा ये हमने देखा था डाला था जो लोकेशन, ये वही लोकेशन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप नीचे दिख रहा है वर्क कोड, तो इसमें वर्क कोड भी इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मास्टर सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हम वर्क कोड डालेंगे, ये वर्क कोड आ गया। फिर इसके बाद मास्टर आता है, तो मास्टर भी ये यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी अगर काम करने वाले जो भी लोग हैं, ये जितने भी काम करने वाले लोग हैं दोस्तों आइए, तो इसमें सारे नाम इसमें आ जाएंगे। अब इसमें दोस्तों यहाँ से बैठ करके आप जो है टिक लगा सकते हैं, कौन आया, अटेंडेंस कौन किसका प्रेजेंट है, किसका एब्सेंट है दोस्तों, इसमें ऐसे करके लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका कब यूज कीजिएगा, जब आप आपका ऐप काम ना कर रहा हो, आप इसको जो है अपने जो है साइड में आपको जाना पड़ेगा, और साइड में जाने के बाद आपको लोकेशन पे जहाँ पास जियो टैग होगा उसके 10 मीटर के दायरे में आपको ये करना है। अगर आपको लोकेशन नहीं मिलता तब इस ऐप को आप यूज कीजिएगा। तो किसी मजदूर का जो है हाजिरी जो है एब्सेंट नहीं होगा दोस्तों, और आप इसका जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनंत है इसका जो है दोस्तों, गलत इस्तेमाल न कीजिएगा, इसके जो जिम्मेदार आप ही होंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।